इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आपने देखा होगा, एएनएम जीएनएम और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से पहले मैंने आपको मार्क्स का फॉर्मूला बताया था और वही फॉर्मूला अधीनस्थ बोर्ड द्वारा यूज लिया गया है। और बोर्ड डिमांड है कि संगणक भर्ती परीक्षा का भी एक बार इसी तरह मार्क्स का फॉर्मूला हमें समझा दीजिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आइए आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा संगणक भर्ती परीक्षा में आप मार्क्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, परफेक्ट कैलकुलेशन तो आपके रिजल्ट के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे वो सिर्फ अधीनस्थ बोर्ड ही जानता है। तो बाकी फिर जैसे ही क्वेश्चन डिलीट होंगे तो आपके भी मार्क्स पे असर आएंगे कि पहले जिन्होंने क्वेश्चन जिनके सही थे प्राइमरी आंसर की में, वे क्वेश्चन अब डिलीट हो रहे हैं तो उनको नुकसान होगा, और जिनके क्वेश्चन गलत हो रहे थे और वे क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं तो उनको फ़ायदा हो रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, कृषि प्रवेशक एग्जाम में 6 क्वेश्चन डिलीट हुए, जीएनएम में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए और एएनएम में 1 भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। इसी तरह पल पल के अपडेट जाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मार्क्स के फॉर्मूले के साथ पर शीट कितना कॉम्पिटिशन है और संगणक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी होगा, इसके बारे में अपडेट दूंगा इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। और जैसे ही आपका संगणक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर उसकी कट ऑफ के बारे में चर्चा, कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, कितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट है वो रिजेक्ट किया जाएगा, सभी की चर्चा आपसे की जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मार्क्स का फॉर्मूला कैसे यूज करना है आपको, और मैं आपको वैल्यू भी पुट करके एक बार बता दूंगा कि इस तरह से। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है, 2 गुना अभ्यर्थियों में कितनों अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है उसमें कुछ ऐड होगा। स्क्रीन पर जो आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये आपके संगणक भर्ती परीक्षा 2021 आयोजित करवाई गई थी उसका जब रिजल्ट जारी किया गया था तो उस पीडीएफ में ये फॉर्मूला था, लेकिन इस बार आपको मालूम है 5वां ऑप्शन भी ऐड किया गया, तो फॉर्मूले में उसको भी थोड़ा ऐड किया गया माइनस के बाद। यहाँ पर वो क्या ऐड किया गया उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। उससे पहले 5वां ऑप्शन को लेकर आपने देखा होगा एएनएम जीएनएम कृषि पर्यवेक्षक में भी अभ्यर्थियों को रिजेक्ट किया है, और जिन्होंने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो खाली छोड़े हैं। अब खाली और नॉट अटैम्प्ट में फ़र्क क्या, देखो बहुत स्टूडेंट करें नॉट अटैम्प्ट में हम वे भी क्वेश्चन काउंट करें क्या जिसमें हमने ऑप्शन ई भरा है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब फॉर्मूले में नॉट अटैम्प्ट का क्वेश्चन नंबर आप जोड़ते हो तो वे ही क्वेश्चन आप उसमें लिखोगे, उन क्वेश्चन नंबर संख्या लिखोगे जिन क्वेश्चन में आपने एक भी गोला नहीं भरा। अगर आपने ई गोला भर दिया है तो वो नॉट अटैम्प्ट में काउंट नहीं होगा, ई भर दिया है तो वो अटैम्प्ट में ही काउंट होगा, जिसमें आपने एक भी नहीं भरा है वो नॉट अटैम्प्ट में काउंट होगा। और ऐसे अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से अधिक क्वेश्चन में खाली छोड़ दिए तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा, फिर चाहे आपके 100 में से 70 क्वेश्चन भी क्यों ना सही हो। और अगर 10 से कम खाली छोड़ दिए तो 1/3 के हिसाब से नेगेटिव के रूप में नंबर काट लिए जाएंगे। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट सिग्मा ऑफ RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF अपॉन 3। ये 2021 संगणक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था तब का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में आपको 2024 का जब रिजल्ट जारी होगा संगणक भर्ती परीक्षा का, तो उसमें फॉर्मूला आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का था, तो सेम यही फॉर्मूला रहने वाला है संगणक भर्ती परीक्षा में, क्योंकि इसमें भी आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग है संगणक में भी और एग्रीकल्चर में भी 1/3 थी, तो यहाँ 3 ही रहेगा। और बाकी क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने पर जो आपका नंबर है वो 1/3 काटा जाएगा, तो वो भी सेम रहेगा, इसलिए ये आपका सेम फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है आइए चर्चा करते हैं। उससे पहले संगणक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी होगा, बहुत स्टूडेंट पूछ रहे संगणक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब जारी होगा, तो आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने पहले ही बता दिया था कि अधीनस्थ बोर्ड के जो पहले चरण में 7 एग्जाम आयोजित कराए गए थे उनमें रिजल्ट उसी क्रम में जारी होंगे जिस क्रम में आपके एग्जाम आयोजित करवाए गए, लेकिन सूचना सहायक में थोड़ा पदों के वर्गीकरण के वजह से थोड़ी देरी हो रही है। बाकी आपने देखा होगा एएनएम जीएनएम और कृषि पर्यवेक्षक का रिजल्ट जारी हो गया, इनमें से एएनएम जीएनएम 3 फरवरी को आयोजित हुई थी, कृषि पर्यवेक्षक 4 फरवरी को आयोजित हुआ। नेक्स्ट टारगेट अगर सूचना सहायक में पदों का वर्गीकरण समय पर हो जाता है वापस से तो उसका रिजल्ट आएगा, नहीं तो फिर जूनियर अकाउंटेंट को तो आना ही है 28 जून से पहले। और रिजल्ट जैसे ही आएंगे सभी रिजल्ट की चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जूनियर अकाउंटेंट के बाद आपको संगणक और CHO एग्जाम का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि जुलाई के 1st वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दी जाएगी।
इसलिए ध्यान रखें चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो प्रूफ के साथ दी जाती है, विदाउट प्रूफ की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस मार्क्स के फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। तो जैसे कि आपको मालूम है संगणक भर्ती परीक्षा में आपके टोटल क्वेश्चन कितने थे, 100 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन एक नंबर का था, यानी कि 100 मार्क्स नेगेटिव एक दीआई थी, कितनी थी, एक दीआई। तो फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट, टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल टू सिग्मा ऑफ आर क्यू इंटू के एफ माइनस डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन थ्री माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू थ्री। सिग्मा यहाँ सभी की जोड़ होगी, आर क्यू यानी राइट क्वेश्चन, आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए, डब्ल्यू क्यू यानी रॉन्ग क्वेश्चन, आपने 100 में से कितने गलत किए, के एफ यानी की फैक्टर, की फैक्टर का भी एक अलग से फॉर्मूला है, वो नीचे देखिए आप लिखा हुआ स्पष्ट रूप से की फैक्टर का, मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इनटू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट पर नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। तो चलिए अब मार्क्स में मैं कुछ वैल्यू पुट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने मान लिया 100 में से मेरे सही क्वेश्चन 60 हुए, 18 गलत हुए और 9 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। अगर मैं 10 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करता हूँ तो मेरा रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा, और 10 से कम नहीं अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो एक तीय के हिसाब से नेगेटिव के तौर पर नंबर काट लिए जाएंगे। अगर मैंने सभी क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखें, अगर मैंने सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो इन नॉट अटैम्प्ट में मैं जब जीरो लिखूंगा तो ये वाला पार्ट पूरा आपका जीरो हो जाएगा, फिर जो आपकी कैलकुलेशन आएगी वो इतने पार्ट की आएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे की फैक्टर की वैल्यू। की फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे मैक्सिमम मार्क्स, आपका पेपर 100 नंबर का था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन, पेपर में 100 क्वेश्चन थे, इनटू टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन सब्जेक्ट, ये भी आप 100 ही लिखोगे, अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। देखो नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन यानी कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे, वो तो हमें रिजल्ट के बाद में ही पता चलेगा, और रिजल्ट के बाद में भी मैं वापस से बता दूंगा आपको। तो अभी फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, इसलिए मैंने 100 वैल्यू पुट कर दी। तो की फैक्टर की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 100 कट गए सभी, एक आई। अब ये एक वैल्यू मुझे याद रखनी है और कहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर। आर क्यू मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने माना कि 60 क्वेश्चन सही किए, तो मैंने लिख लिया 60 इंटू की फैक्टर की वैल्यू एक, इसके बाद लिखा माइनस डब्ल्यू क्यू यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन, मैंने मान लिया 18 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, इंटू की फैक्टर की वैल्यू एक अपॉन थ्री माइनस मैक्सिमम मार्क्स, पेपर 100 नंबर का था, नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, मैंने अभी बताया 9 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए, यानी कि जिनमें एक भी गोला नहीं भरा, ई भी नहीं भरा, अगर ई भर देता तो वो नॉट अटैम्प्ट में काउंट नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन 100 इंटू थ्री, जब इसे सॉल्व करूँगा तो ये वाला पार्ट आपकी वैल्यू कितनी देगा, 3। इस पार्ट को जब मैं सॉल्व करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 6, तो माइनस 6 माइनस 3, और इसे सॉल्व करूँगा तो 60, माइनस 6 माइनस 3 हो गया माइनस का 9, और 60 में से 9 के पीछे रहे 51, तो मेरे मार्क्स कितने हैं, 51। इस तरह से संगणक भर्ती परीक्षा में आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करने, क्योंकि जब रिजल्ट जारी होगा तब सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो 2 गुना की लिस्ट आएगी उसमें सिर्फ रोल नंबर शो होंगे, रिजल्ट के थोड़े दिनों बाद आपको SSO ID पर स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। इसलिए फिलहाल के लिए अगर आप अपना स्कोर कार्ड देखना चाहते हो तो इस फॉर्मूले से देख सकते हो जब रिजल्ट जारी होगा, और बाकी रिजल्ट के अपडेट टाइम टू टाइम इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी प्रूफ के साथ, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करता हूँ पर शीट कॉम्पिटिशन कितना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यह भर्ती परीक्षा कितने पदों पर आयोजित करवाई गई थी। तो संगणक भर्ती परीक्षा 2023 आप देख सकते हो टोटल 583 पद थे, जिसमें नॉन TSP के 512 पद थे और TSP के 71 पद थे। इस तरह से टोटल 583 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई। अब पर सीट कॉम्पिटिशन के लिए हमें पता होना चाहिए कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ इस परीक्षा के लिए टोटल आवेदन प्राप्त हुए बोर्ड को, वो लगभग 1,80,127 कैंडिडेट ने आवेदन किए, और इनमें से जो परीक्षा दी है वो सिर्फ 85,471 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, इतने स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। तो अब जो कंपटीशन है वो अब 1,80,127 में नहीं है, कंपटीशन है 85,471 स्टूडेंट में, यानी कि रिजल्ट आएगा सिर्फ 85,471 इतने स्टूडेंट का, और पद है 583। तो पर सीट की बात करें तो लगभग आपका 147 स्टूडेंट पर सीट फाइट, एक सीट के लिए लगभग 147 स्टूडेंट में फाइट थी। अब देखते हैं 2 गुना की लिस्ट में कितने कैंडिडेट के नाम आते हैं। उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके संगणक भर्ती परीक्षा में 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट आपको वहाँ पे भी मिलेगी और इस यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगी।
बाकी सूचना सहायक जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आपके संगणक भर्ती परीक्षा से पहले जारी होगा और CHO का हो सकता है संगणक के बाद हो या संगणक, क्योंकि इन दोनों का एग्जाम एक ही दिन हुआ था। अब बोर्ड पे डिपेंड करता है कि पहले CHO आएगा या संगणक आएगा, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको CHO संगणक का रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है।